नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्रो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए, डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी राज्यसभा से रिपोर्टर की वैकेंसी आने वाली है और कई स्टेट से भी, विधानसभा से भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। और यह डिक्टेशन दोस्तों आपका 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। डिक्टेशन को पूरा लिखिएगा, लिखने के बाद मैटर को रीडिंग करिएगा। रीडिंग करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो आप ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लिखने के बाद केवल रख मत दीजिएगा, रीडिंग जरूर करिएगा। रीडिंग करने के बाद पीडीएफ को ट्रांसक्राइब करिएगा, ठीक है। ट्रांसक्राइब करने के बाद पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है stdforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए रेडी। 5 सेकंड टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद के संयुक्त अधिवेशन के पश्चात इस सदन में जिस महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है उस विषय के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं तथा मुझे बोलने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि रोजगार सृजन के लिए हमारी सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश का जो श्रमिक वर्ग है वह सबसे अधिक परिश्रम करता है। यह वर्ग जब आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से मजबूत होता है तो हमारा देश अपने आप ही मजबूत हो जाता है। हमारे देश के श्रमिकों के कठिन परिश्रम के कारण ही वैश्विक स्तर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने श्रमिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार करने का काम किया है। हमारा श्रमिक वर्ग अगर आवश्यक संसाधनों के अभाव में रहेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से कभी भी उतर सकती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने सामाजिक श्रमिक समाज के साथियों की हर प्रकार से सहायता के लिए हमेशा तैयार रहें, फिर चाहे वह आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से हो। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर जी को पिछड़े वर्ग तथा दलित वर्ग का मसीहा माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उनकी तकलीफों को खुद भी झेला था। उनको बचपन में काफी कठिन जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा था। यही कारण था कि उन्होंने सक्षम होने के उपरांत हमारे देश के पिछड़े जात, दलित और गरीब वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बाबा साहब के विचारों का पूरी तरह से सम्मान करती है और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए इस देश के गरीब, दलित तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के सम्मान तथा हक की बात करती है। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले की कांग्रेस सरकार ने श्रम कानूनों को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने समय समय पर इसमें परिवर्तन तो किए, लेकिन ये परिवर्तन ठीक उसी प्रकार से थे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी चीज से काम चलाने की कोशिश करना। विडंबना यह है कि उस समय की केंद्र सरकार ने इस ओर विशेष रूप से कुछ भी नहीं किया। यही कारण था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारे देश की गरीब जनता ने कांग्रेस को सत्ता से पूरी तरह से बेदखल कर दिया और यह भी बता दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हमारे देश की साक्षरता का प्रतिशत देखा जाए तो आज भी यह प्रतिशत काफी कम है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश की जनता काफी चतुर है, उसे बार बार धोखा नहीं दे सकती है, फिर चाहे वह अनपढ़ ही क्यों ना हो।
माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन में ऐसी दशा हमारे सभी केंद्रीय श्रमिक अधिनियमों की भी हुई थी। इन सभी अधिनियमों में पिछले कुछ वर्षों में इतनी ज्यादा कमियां पैदा कर दी गई थी कि ये ना तो श्रमिकों के लिए कोई लाभ पहुंचा रहे थे और ना ही अन्य लोगों को कोई प्रेरणा दे पा रहे थे कि वे देश में काम करने के लिए देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इन केंद्रीय श्रम अधिनियमों से देश में प्रतिवर्ष विवादों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिले। दुख की बात तो यह है कि इससे किसी को लाभ तो नहीं हो पाया, लेकिन इससे जुड़े सभी वर्गों को हानि उठानी पड़ी। इन केंद्रीय श्रम अधिनियमों के समय के साथ मूलभूत परिवर्तन न करने की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही देश को काफी अधिक हानि उठानी पड़ी, क्योंकि कई केंद्रीय श्रम अधिनियम तो आपस में इतने विरोधी हो गए थे कि इन विरोधों के कारण जहां एक ओर कर्मचारियों में भारी असंतोष था, वहीं दूसरी ओर मालिकों में भी भारी निराशा थी। कर्मचारियों व मालिकों में लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती थी और अस्पष्ट कानून के अभाव में दोनों को नुकसान उठाना पड़ता था। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रम एवं रोजगार योजना के माध्यम से छोटा काम करने वाले मजदूरों को भी पेंशन का लाभ हमारी पार्टी ने देने का काम किया है, जो इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं दिया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि इससे पहले जो भी सरकारें आई, वे केवल धोखे की राजनीति के आधार पर अपना स्वार्थ सिद्ध करती थीं और चली जाती थीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लगभग 20 सालों से मजदूरों को पेंशन देने की घोषणा इससे पहले की सरकारें अपने चुनाव घोषणा पत्र में करती रहीं और चुनाव जीतने के बाद उन वायदों को पूरी तरह से भुला दिया। इस प्रकार से उन्होंने इस देश की सीधी जनता को छलने का काम किया था। हमारी सरकार इस देश की जनता द्वारा बनाई गई सरकार है, जो कि इस देश की जनता के हितों के लिए काम करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष में बैठे हमारे माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थान से निवास स्थान तक जाने के लिए साल में एक बार उनके मालिक द्वारा यात्रा भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। इस हेतु प्रवासी मजदूरों द्वारा काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया है। हमारी सरकार द्वारा हमारे देश के मजदूरों की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए भी कानून के माध्यम से मदद देने की व्यवस्था की गई है। हमारी पार्टी ने इस देश की गरीब जनता के दुख को अपनाया है तथा उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करती है। आवश्यकता इस बात की है कि अन्य पार्टियां भी उनके दुख और तकलीफ को समझने का प्रयास करें। वर्तमान समय में जो भी सुविधाएं हमारे देश के गरीब तथा श्रमिक वर्ग को दी जा रही है, उन सुविधाओं को इस देश के सभी जिलों में देने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे देश के विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोविड की महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए मानवता को बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोविड महामारी के दौरान हमारे देश के डॉक्टरों ने जिस जज्बे और साहस का परिचय दिया है, वह वाकई अतुलनीय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इन्होंने अपने दायित्वों को बखूबी अंजाम देने का काम किया। जब कोरोना से पूरा विश्व बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रभावशाली नीतियों व कार्यों के कारण हमारा देश इस संकट से लगभग पूरी तरह से उबर चुका था। माननीय उपसभापति महोदय, कोरोना काल में भारत में बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन हुआ और कोरोना हमारी महामारी के कारण पैदा हुए डर के कारण देश के हर कोने से मजदूर अपने घर जाना चाहते थे।
विडंबना यह है कि जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं थी वहां की सरकारों ने जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया कि मजदूर डरकर अपने घर जाने को मजबूर हो जाएं। कोरोना के समय में लॉकडाउन के कारण हमने यह भी देखा कि सभी तरह के व्यापार और उद्योग बंद हो गए थे, जिससे मजदूरों की आय के साधन लगभग पूरी तरह से बंद हो गए थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश की जनता से यही अनुरोध किया जा रहा था कि जो जहां पर है वहीं पर रहे और उनके राशन तथा भोजन आदि की व्यवस्था राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार करेगी। इतना सब करने के बावजूद कोरोना संक्रमण के डर के कारण और आय का साधन न होने के कारण सभी मजदूर अपने अपने घरों को पहुंचना चाहते थे। केंद्र सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन तथा रहने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था कराने का काम किया गया। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए हजारों की संख्या में राहत शिविरों का प्रबंध किया, जिनमें लाखों लोग रुके। इसके अलावा भोजन के लिए भी कई शिविरों की व्यवस्था की गई, जिसमें करोड़ों लोगों ने खाना खाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोविड काल में किए गए कार्यों को गिनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि जो कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश के गरीब श्रमिक वर्ग तथा गरीब जनता के लिए किए गए, उसका 50% कार्य भी अगर विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री जी की कमी निकालने की जगह इस देश की जनता की मदद करने के लिए करते तो शायद हमारा देश कोरोना से जंग पूरी तरह से जीत जाता। कोरोना महामारी से हमारे देश की जनता की जो रक्षा हो सकी है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण ही संभव हो सकी है। आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। समाप्त। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। मैटर को पूरा ट्रांसक्राइब करेंगे, पहले तो इसको लिखने के बाद पहले एक बार रीडिंग करेंगे 10 मिनट, रीडिंग करने के बाद फिर उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।